दोस्तों आज के इस वीडियो में आप जान सकते हैं कि आप पेटीएम से किसी और बैंक के अंदर पैसे कैसे भेज सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले पेटीएम को ओपन करके यहाँ पे आपको मिलता है टू बैंक अकाउंट, तो आपको उस पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एंटर बैंक अकाउंट डिटेल का जो ऑप्शन मिलता है सबसे ऊपर, आपको उस पर क्लिक करना है। अब इसके बाद दोस्तों आप किस बैंक के अंदर पैसा भेजना चाहते हैं उस बैंक को यहाँ पे आपको सर्च करना है, और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे उस बैंक को यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। तो चलिए दोस्तों मैं अपनी जो बैंक है जिसके अंदर मैं पैसा भेजना चाहता हूँ उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। और सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमें जो अकाउंट नंबर है जिस बैंक के अंदर भेजना चाहते हैं उसके अकाउंट नंबर और IFSC कोड यहाँ पे आपको लगा लेना है। ये आपको बैंक की जो डायरी है उसके ऊपर आपको मिल जाता है। उसके बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। जब आप प्रोसीड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पे लिखा है अकाउंट होल्डर नेम, मतलब आप किसके अंदर भेजना चाहते हैं उस व्यक्ति का यहाँ पे आपको नाम लगाना है। उसके बाद प्रोसीड टू पे पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको वापस बैंक अकाउंट नंबर लगाने जिसके अंदर आप भेजना चाहते हैं, उसके बाद प्रोसीड टू पे पे क्लिक करना है। उसके बाद आप कितना अमाउंट भेजना चाहते हैं वो अमाउंट आपको लगाना है। उसके बाद आपको पे पे क्लिक करना है, और उसके बाद दोस्तों आपके जो भी पासपोर्ट है वो यहाँ पे आपको लगाना है जिससे कि आपका जो पेमेंट है उस बैंक के अंदर चला जाता है। यदि आप वापस भेजना चाहते हैं तो आप पे अगेन पे क्लिक करके आप वापस भेज सकते हैं। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।